मैं डॉक्टर अजित कुमार तिवारी इकोनॉमिक्स, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और अपने पूर्व व्याख्यान में मैंने डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत मीन के कैलकुलेशन की विधि बताई थी। आज मैं कंटिन्यूअस सीरीज के तीनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड तथा नई स्टेप डिविएशन मेथड और पद विचलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना के गुण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम हम डायरेक्ट मेथड द्वारा समांतर माध्य की गणना कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करेंगे, इसका प्रस्तुतीकरण मैं व्हाइट बोर्ड पर प्रस्तुत कर रहा हूं। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सबसे पहले दिए हुए होने के बाद सबसे पहले हम मध्य मूल्य या एक्स ज्ञात करेंगे। एमवी और एक्स मध्य मूल्य या एमवी ज्ञात करने के लिए दो चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, L2 प्लस L1 बाय 2 से हम एमवी ज्ञात कर लेते हैं। अतः 5, 15, 25, 35, 45, 55। पुनः अगला और अंतिम कॉलम एफएक्स, जो फ्रीक्वेंसी इंटू एमवी और एक्स और आइटम्स के रूप में है, तो हम गुणा कर लेते हैं। पहले 20 अब इनको हम जोड़ लेंगे, जो योग ये कहलाएगा समेशन एफएक्स। आवृत्तियों का योग मैंने पहले ही निकाल लिया था, आवृत्तियों का योग 50 है और आवृत्ति इंटू आइटम्स का योग 1420 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। एक्स बार इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू पांच 10 और 4 40, 5 8 40, 2 5 20। देन एक्स बार इज इक्वल टू 28.4 आया। अब इसी सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से प्रस्तुत करेंगे। अब हम इसी सवाल को, इसी एग्जाम्पल को शॉर्टकट मेथड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
अपने दूसरे लेक्चर में ही मैं सारे विधियों का फॉर्मूला दे चुका हूं, अतः कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको देखा जाए। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, मध्य मूल्य या एमवी या एक्स हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद सबसे पहला काम हम एज्यूम्ड मीन द्वारा डिविएशन ज्ञात करेंगे। तो डीएक्स डीएक्स बराबर एक्स माइनस ए और सदैव एज्यूम्ड मीन आइटम्स या एमवी से ज्ञात किया लिया जाता है। अतः यदि हम 25 को एज्यूम्ड मीन लेते हैं तो डीएक्स बराबर हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 एंड 30। अब अंतिम कॉलम एफ इंटू डीएक्स ज्ञात करेंगे। फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशन ऑफ एक्स सीरीज देन माइनस 80 माइनस 100 0 110 120 120 देन माइनस 180 24 240 250 350 प्लस 350 तो कितना आया, देन समेशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू 170। पुटिंग द फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन वेयर ए इज इक्वल टू 25 प्लस 170 अपॉन 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 2 अंदूनी 28.4। अब हम इसी प्रश्न को पद विचलन नीति से प्रयोग करें। स्टेप डिविएशन मेथड की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यदि प्रश्न जटिल हो तो उसको हम अत्यंत आसान गणना द्वारा जटिल से जटिल या बड़े से बड़े तथ्यों को आसान गणना के द्वारा कर सकते हैं। यह विधि सबसे सरल विधि है समांतर माध्य ज्ञात करने की, लेकिन इस विधि की एक लिमिटेशन है कि स्टेप डिविएशन मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्लास इंटरवल इक्वल हो। यदि क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो स्टेप डिविएशन मेथड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं थर्ड पद, तीसरी जो विधि है उसे पद विचलन विधि या स्टेप इस विधि को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी
को नोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी का सम ज्ञात कर लेते हैं जो एन कहलाता है, इसके बाद एम भी ज्ञात करते हैं, तब पद विचलन निम्न सूत्र के सहायता से स्टेप डिविएशन डीएस ज्ञात करते हैं। डीएस बराबर होता है एक्स माइनस ए अपान आई, जहां आई सी आई है, जहां आई वर्गांतर में हम ए को पूर्व क्वेश्चन में जैसे कि मैंने 25 को माना था, 25 को माना था, इसमें हम 35 को ले रहे हैं। ए इज इक्वल टू 35, देन डीएस इज इक्वल टू -3, -2, -1, 1, 2, डीएस निकल गया और 35 का जीरो हो गया। डीएस निकालने के पश्चात, चूंकि जब डीएस निकल गया तो पहला कार्य किया जाता है या इस कॉलम बनाने का अंतिम कार्य है फ्रीक्वेंसी इनटू डीएस, या स्टेप डिविएशन में मल्टीप्लाई करते हैं एफ इंटू डीएस। -12, -20, -15, 0, 6, 8, ये हो गया। एफडीएस के निगेटिव एलिमेंट को एक जगह काउंट करते हैं और पॉजिटिव एलिमेंट को एक जगह काउंट करते हैं। निगेटिव एलिमेंट का सम आया है -47, जबकि पॉजिटिव एलिमेंट का सम आया है 15, अतः दोनों का जो डिफरेंस है 14, अतः दोनों का जो डिफरेंस है वह कहलाएगा समेशन एफ डीएस इज इक्वल टू -33। देन पुटिंग द फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डीएस अपॉन एन इंटू आई, वेयर आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, एन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, एक्स बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड अर्थमेटिक मीन, एंड समेशन एफ डीएस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाई स्टेप डिविएशन 35 प्लस -33 अपॉन 50 इंटू 10। 35 माइनस 33 बाई 5 देन 28.4 मीन की वैल्यू आई। स्पेशली जब क्लास इंटरवल, ये तो इजी था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 का डिफरेंस था। यदि क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 होता तो मिड वैल्यू आर एक्स पॉइंट में आता, दशमलव में आता,
ऐसी दशा में जब मिड वैल्यू दशमलव में आ जाए तो कभी भी भूल के भी डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं करते हैं, सदैव शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप डिविएशन मेथड के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय बस एक चीज की जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि क्लास इंटरवल में अनियमितता न हो, क्लास इंटरवल इक्वल हो। धन्यवाद।